अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे आए, होप के सब ठीक हैं। और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, यहाँ बज गए हैं रात के 10 और देखिए आंखें रेड हुई हुई हैं और अरू भी फुल टायर्ड है और बस यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। स्टिल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और सुबह स्कूल भी है बच्चों का, लेकिन जो है ना चार चार टेस्ट हैं और अभी तक मैं इनको पढ़ा रही हूँ अभी तक। सो देखते हैं अभी। अरू को मैंने उर्दू का भी करवाना है तो अरू को नींद आ गई हुई है बिल्कुल, बहुत तेज़ डालती हूँ मैं अभी बस। अरू को बहुत नींद आई हुई है लेकिन अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। सो राहील का सारा काम हो गया है, अरूष को लेके बैठी हुई हूँ। देखते हैं अभी अरूष का कब तक होगा। अरू चलो चलो, तो ये रात का टाइम है, मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मिलते हैं अब आपसे सुबह, बाकी का व्लॉग हम कल बनाएंगे। सो अभी व्लॉग हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और रात को जो है ना 12 बज गए थे, सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस सुबह हो गई है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं सोच रही हूँ कि आज बच्चों के लिए ना पिज्ज़ा बना लूँ, क्योंकि बच्चों को पिज्ज़ा जो है ना घर का भी बहुत पसंद है। तो कल अभी अरू बोल रही थी मुझे, तो सोचा क्यों ना मैं डो बना के रख लूँ और फिर आपके साथ भी आज फर्स्ट टाइम मैं ये पिज्ज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो जल्दी से डो तैयार करेंगे, डो तैयार करके उसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और बस डो तैयार करके इसमें सो जाऊँगी। फिर उठ के फिर हम जो बाकी का काम है ना पिज्ज़े का, बच्चों के आने से पहले वो रेडी कर लेंगे। सो गाइस, जिसने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, शेयर नहीं किया हुआ, उससे पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सो गाइस, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है ना मैंने मैदा ले लिया है यहाँ पे वाइट फ्लोर और ये मैंने 2.5 कप ये वाले जो है ना मैयर करके ये लिए हैं, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमने जो ऐड करने हैं ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वो ऐड करते हैं। ये इसमें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और ये मैंने इतना पानी लिया है और इसको मैंने नीम गर्म कर लिया 2 स्पून हम इसमें ना ऐड कर देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट इसमें भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने वाटर में यूज़ किया है ताकि ये अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी में बिना डिज़ोल्व किए अगर हम इसको इस तरह से ही डायरेक्ट डाल देंगे तो ये फिर ना वो डो के अंदर वो हल्का हल्का सा वो दाने दाने से आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स किया और मैं इसको इस तरह से ऐड करूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है, तो के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हम इसमें ऐड करते हैं उतने सॉल्ट, सिर्फ 2 पिंच आपने सॉल्ट ऐड करना है। तो गाइस, यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से हो गया था कि वीडियो इस पार्ट पे आके स्लो मोशन में चली गई थी, तो जो कि मुझे उस टाइम तो पता नहीं चला लेकिन जब मैंने बाद में रिपीट में मैंने वीडियो देखी तो ये इस पार्ट को ना इस तरह से स्लो मोशन में शो कर रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब जो है
मैं इस पार्ट को वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सो जस्ट हमने जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो ऐड कर दिए थे ना इसमें, और अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और ये अब जो मैंने ऐड करना है इसमें ईस्ट, जो मैंने नीम गर्म पानी में इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, मिक्स कर लिया। तो आप ये देख रहे होंगे बहुत ही स्लो मोशन में ये आपको दिखाया जा रहा है, और क्या कहते हैं आगे जाके वीडियो सही हो जाएगी। तो ये हम ऐड कर देंगे। ये जो डो है ना बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ बनती है, और आप देख सकते हैं कि मतलब आप भी ट्राई करेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना रेसिपी बहुत ही अच्छी है। मुझे जो है ना बाहर की जो डो बनी बनाई मिलती है ना वो इतनी खास पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट और क्या कहते हैं वो नहीं होती, वो हार्ड हो जाती हैं तकरीबन। तो इस तरह से अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे फिर से, और दूध के साथ ही इसको हम जो है गूंदेंगे अपनी डो को। दूध के साथ मैं इसको गूंद रही हूँ, और जब मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैंने नीम गर्म पानी भी रखा हुआ है पास, वो भी मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। ऐसे जो है ना आपकी जो डो है ना बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आपने बिल्कुल इसको वैसे ही गूंदना है जिस तरह नॉर्मल आटे को गूंदते हैं ना, वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। ठीक है, सो गाइस हमने इसको जो करके रख दिया, अभी मैंने जो है ना इसको गूंदा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ इकट्ठा सा करके बना के जिस तरह आटा गूंदते हैं वो मैंने रख दिया है, ऊपर से ऑयल लगा के उसको फैला दिया है। और बस अब हम इसको कवर कर देंगे और 3-4 आवर के लिए इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इसको कवर कर देंगे 3-4 आवर्स के बाद हम इसको ओपन करके तो इसको थोड़ा सा गूंदेंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब आपसे 3 आवर्स के बाद। सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैं ना सबसे पहले बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, फ्लेम ऑन करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना छोटे से स्लाइसेस कट कर लिए हैं लहसुन के, वो ऐड करेंगे पहले। इसको थोड़ा सा हम जो है ना पैन को गर्म करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। और टमाटो मैंने लिया एक बड़ा बड़े से साइज का, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, टमाटो प्यूरी बना ली है और उसको इसमें ऐड कर देंगे, और इसको फुल हाई फ्लेम पे अब कुक करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 pinch of salt, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने 3-4 pinch ऐड किया है। साथ ही यहाँ मैं इसमें ऐड करूंगी 3 pinch of ब्लैक पेपर, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। तो बस हमने इसको जो है ना कुक करना है, तब तक कुक करना है जब तक जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और टमाटोज के ना जो पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता अच्छे से। ठीक है, इसको थिक सा एक पेस्ट बना देना है। ठीक है, तो जब तक ये कुक होता है चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो ये देखिए गाइस, ये अच्छे से जो है ना हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया है और ये कितनी जल्दी 1 मिनट में तैयार होने वाली पिज़्ज़ा सॉस और टेस्ट भी इसका ऑसम। ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए थिक। अब हम इसको एक कंटेनर में निकालेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस, हमने जो है ना पिज्जे की सॉस है ना निकाल लिया और इसी पैन के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हम जो है ना चिकन रेडी करेंगे पिज्जे के लिए। मैं जस्ट ये सिंपल पिज्जा बना रही हूँ बच्चों के लिए, मैं कोई वेजिटेबल ऐड नहीं कर रही हूँ इस पिज्जे में, ठीक है, क्योंकि बच्चे पिज्जे में वेजिटेबल पसंद नहीं करते मेरे। आप भी जब अगर बनाएं तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं साथ ही बटर ऐड कर रही हूँ। इसको हम बटर चिकन को बटर के साथ फ्राई करेंगे और सिर्फ इसमें मैं 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी और वो 3 इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ब्लैक पेपर 3 पिंच, चिली फ्लेक्स 4 पिंच और वन एंड ओनली माय फेवरेट शान का तंदूरी मसाला। और हमारा पिज्जा भी फ्लेवर्ड तंदूरी मसाला ही है, ठीक है, ये शान का तंदूरी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे और ऐड करना है तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। आपने स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से रखने हैं। और इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको कुक कर लो। इंग्रेडिएंट सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, सिर्फ इसको कुक करना है, जब ये गल जाए तो उतार लें, ठीक है। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि जो सुबह हमने डो बनाई थी उसको रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, वो देखें बिल्कुल जो है ना कैसे ऊपर से फूल गई है। इसका कवर उतारेंगे अब और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके देखें हमारी कितने ज़बरदस्त हमारी जो है ना डो रेडी हो गई है। सो जस्ट ये देखिए हमारी डो जो है कितने अच्छे से रेडी हो गई है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। सो गाइस, हम इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पे मैंने ना जो है ना डो का हाफ ले लिया और इसको इस तरह से हम थोड़ा सा उसका ऐड करेंगे और इसको हम लोगों ने ना बेलना चाहे तो आप बेल सकते हैं, नहीं बेलना चाहे तो अपने हाथों की मदद से आप इसको हिला सकते हैं। मैं जो हूँ ना आज ओवन में नहीं बना रही हूँ पिज्ज़ा, ठीक है, मैं आज पिज्ज़ा बना रही हूँ चूल्हे पे। तो हम आज इसको ना
तरह से बनाएंगे, पैन के अंदर रख के। तो वहां पे चूल्हे पे मैंने रख दिया हुआ है, जिसमें मैंने इसको बनाना है ताकि वो जो है ना हमारा पैन गरम हो जाए और उस पे हम अपना पिज्जा बना सकें। तो ये देखिए हमने इस तरह से ना इसको कर दिया है, बहुत ही यम्मी पिज्जा बनता है, लाजिम ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल जो है आप अपने मर्जी की इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज जो है ना बनाए रही हूँ तो आपके साथ भी लाजिम शेयर करूँ, क्योंकि शायद मैंने पहले पिज्जे की रेसिपी जो है शेयर नहीं की हुई है। यहाँ पे हम फॉग ले लेंगे, फॉग की हेल्प से हम इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे। सो गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो देख के आज, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं अपने पिज्जा सॉस की तरफ। जो हमने पिज्जा सॉस बनाई थी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको पिज्जा सॉस को हम स्प्रेड कर देंगे। पिज्जा सॉस भी लाजिम ट्राई कीजिएगा। मुझे तो पिज्जा सॉस बाहर की बनी हुई नहीं पसंद, हालांकि बाहर भी सब कुछ रेडीमेड मिलता है, पिज्जा सॉस भी मिलती है, लेकिन मैं यही वाली घर में ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है। ऊपर से हम ये चिकन जो है ना डालेंगे। चिकन के पीसेस जो है ना मैंने बड़े बड़े ही कट किए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी और बच्चे भी बस आने ही वाले हैं, तो जब तक बच्चे आएंगे हमारा जो है ना पिज्जा ऑलमोस्ट जो है ना रेडी हो गया होगा। इसके ऊपर से हमने देखें चिकन भी ऐड कर दिया, मुजरीला चीज मैं ये वाली ऐड कर रही हूँ। और मैं ओलिव्स कह रही हूँ, मैं एरोपिनो है मेरे पास, मैं वो ऐड करूँगी। बस वेजिटेबल ऐड नहीं करूँगी, बच्चों को भी मैं इनका चलो आज सरप्राइज देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि मामा ने पिज्ज़ा बनाया है, क्योंकि मैंने बनाना नहीं था। मैंने सुबह अरू से पूछा कि अरू आपने लंच में आज क्या लेके जाना है, अरू ने मुझे रात को भी पिज्जे का कहा था और सुबह भी उसने पिज्जे का ही कहा। तो फिर आपको पता है माँ का दिल जो होता है ना, फिर मैंने कहा इसका ना दिल कर रहा है तो बस आज यही बनाना है, लंच में आके बच्चे यही खाएंगे। तो ये एलोपिनो जो है मैं ऊपर से ऐड करूँगी, मुझे एलोपिनोज बहुत पसंद है। और आपको पता है फास्ट फूड में तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा बच्चे अगर नहीं भी खाएंगे तो गाइस अब हम इसको रखते हैं, बनने के लिए जहाँ हमने बनाना है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस ये देखें, ये मैंने यहाँ पे फुल हाई फ्लेम पे इसको गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और सबसे पहले हम ये नीचे ग्रिल रखेंगे, मैं आज फर्स्ट टाइम जो है ना बना रही हूँ चूल्हे पे, और पिज्जा रखेंगे ऐसे गर्म है बहुत, और इसको कवर कर देंगे और देखते हैं कि
कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी आज होता है कि नहीं होता। इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। ओके, मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरह से बना रही हूँ, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में। सो गाइस, फर्स्ट टाइम का मेरा फार्मूला जो है ना परफेक्टली वर्क कर गया है, और यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि मैंने जो है ना 10 मिनट भी नहीं रखा और पिज़्ज़ा जो है ना हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है। मैं अभी जो है ना ऊपर से कवर नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और मैंने ना उसको स्टीम पे ही छोड़ दिया हुआ है। तो अब मैंने कैमरा ऑन किया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी। चले चलते हैं जी। तो ये देखें, हमारा जो पिज़्ज़ा है ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आपको मैं ये ऊपर से हटा के दिखाती हूँ। टन टन, हमारा यम्मी सा डिलीशियस पिज़्ज़ा आपके सामने है, बिल्कुल रेडी, परफेक्टली कुक हो गया। ठीक है, मैं अभी इसको हीट में ही रख रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी हुई है, वेट करेंगे बच्चों का। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो मैंने अभी जो है ना क्या कहते हैं इसको कवर ही रहने देना है, बच्चे आएंगे तो मैं डिश आउट करूँगी। सो गाइज, व्लॉग यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।